मछलीशहर लोकसभा के प्रत्याशी बीपी सरोज ने आज नामांकन किया और कहा, जीतने के बाद मेरा पहला मुद्दा होगा सड़क पानी की व्यवस्था, अच्छी सड़कें कॉलेज, वहीं दूसरी तरफ। सदर लोकसभा के प्रत्याशी अशोक सिंह ने कहा, मैंने पहले भी जनता का विकास किया है और आज भी जनता के विकास की बात करूंगा और जनता के विकास के मुद्दों को लेकर लोकसभा तक जाऊंगा। चौकिया धाम में माता के दर्शन करने के बाद किया नामांकन और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अब जुमलेबाजी नहीं विकास की बात करे बीजेपी। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊंगा। वैसे भी हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर पहलू पर हर तरह विकास किया है क्षेत्र को, चाहे वह आज पूरा, चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, आज उनके शासनकाल में एक सभी खुशहाल हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। मिला ही नहीं था तो बदलने की कहां से बात आ जाती है भाई। मैंने यहां पे निर्दलीय चुनाव फॉर्म भरा है, ऐसा नहीं कि मुझे बाकी पार्टियों के प्रस्ताव नहीं आए कि आप हमारी पार्टी में भर दीजिए, तो सो फोन आया मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्या मुद्दा? मैं अभी भी वैसा है, सिर्फ वादे होते हैं, जुमले वादे होते हैं, सारी चुनाव जब चलता है तो वहाँ पे बोल के जाते हैं कुछ।